चलें जी, स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? चलें ऑलराइट, तो अभी जो है हम जो है आपका एक क्विक सा वोकैबुलरी टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर एज यूजुअल मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा कि ठीक है, मैं उनको बाउंड नहीं करती कि यू आर ओनली एंड ओनली सपोज टू गिव द राइट आंसर्स, ठीक है? आपके हिसाब से आपको जो भी लगे ठीक है। ये मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ एक प्रायर लर्निंग प्रायर अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपसे ये क्विज ले रही हूँ, ठीक है? तो आप जो है वो बर्डन या प्रेशर होके जो है वो जवाब नहीं दीजिएगा, एंड इट इज ओके अगर आपके जवाब जो है वो गलत है, ठीक है? कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, वेट। आपके पास स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, नजर आ रहा है। द प्ले वाज सो हिलेरियस, ठीक है, दैट इट सेट ऑल ऑफ अस टू एंजॉय। द करेक्ट सिनोनियम टू अंडरलाइन वर्ड इज, आप जल्दी से इसका सिनोनियम जो है वो बताएं कि क्या हो सकता है। सुनिए जी, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए, दैट्स ग्रेट, दैट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट। और यस, बेटर बेटर, वेरी वेल। हमारे पास डाइवर्स आंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें से मेजोरिटी ने डी कहा है और इक्का दुक्का हमारे पास ए भी है और एक बी भी आया है, हमारे पास अब सी भी आ चुका है। एनीवेज, तो चलें जी, आई होप कि यू ऑल आर डन रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, अब 1 मिनट के अंदर आपने रिप्लाई जो है ना वो जवाब देना, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दैट वॉज अ डॉन्टलेस एक्ट। द एंटोनियम फॉर वर्ड डॉन्टलेस इज, हमारे पास सेकंड सवाल के भी काफी डाइवर्स आंसर्स आए हैं और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो उसमें काफी आंसर्स जो हैं वो ज्यादातर वो सी और डी हैं, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लीकेट। मेजॉरिटी ए के साथ जा रही है इस सवाल में। अच्छा, कॉपी ना करें, ठीक है? इफ आई एम नॉट वॉचिंग यू, तो आप अपने साथ जो है वो थोड़ा सा सिंसियर ऑनेस्ट रह के जो है वो क्विज अटेम्प्ट करें। कॉपी जो है वो इट वॉन्ट आई थिंक बेनिफिट यू इन एनी ऑफ द वेज, तो जो आपको बेहतर लगता है आप बस वही जो है वो आंसर देते हैं। देयर इज नो एनी, मैंने इस पे कोई मार्क्स कोई ग्रेडिंग नहीं की हुई, तो इट इज ओके इवन इफ द आंसर इज रॉन्ग, ओके? एंड यू वॉन्ट बी जज्ड एट ऑल, ये बस मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपकी वोकैबुलरी को चेक करने के लिए रखा है, ठीक है? चलिए जी, मेजोरिटी ने ए कहा है, कुछ ने सी भी कहा है, कुछ ने बी भी कहा है और डी के साथ कोई नहीं जा रहा इस सवाल में। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द वर्कर्स वॉज बैशफुल एंड नेवर लुक द अदर पीपल इन द आई। अच्छा, अब इसका जो बैशफुल का हमने क्या बताना है, हमने सिनोनिम बताना है, ठीक है? यहाँ पे मुझे आगे ऐड करना थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई, भूल गया मुझे।
इसका सिनोनिम आपने बताना है। हाँ अच्छा, काफी बच्चे जो हैं उनका अंदाजा ये है कि वो जो है वो लेटर लिखते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो पूरा वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो मोहम्मद अली इज नॉट इज सम व्हाट कंफ्यूज अबाउट इज हिज आंसर एंड ही इज सेइंग कि बी मे बी। ये चीज आपने एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। अच्छा, आपने ये चीज फोकस ये चीज ध्यान में रखनी है कि सिनोनिम मांगा है या एंटोनियम मांगा है, ठीक है। इट्स बी। चलिए जी, काफियों ने बी कहा है, कुछ डी भी कह रहे हैं, एक दो ने ए भी कहा है। लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना, मैं उनके देख रही हूँ रेस्पॉन्सेस, तो वो समझ में वो बस सवाल जो है उस पे फोकस नहीं करते कि एंटोनियम मांगा है या सिनोनियम मांगा है। वो बस हर सवाल में जो है वो सिनोनिम्स ही चूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज का लाजमी फोकस करना है कि सिनोनिम पूछा गया है आपसे सवाल में या एंटोनिम। तो अभी जो है वो कुछ बच्चों ने आई सपोज कि इसलिए भी एक गलत ऑप्शन जो है वो चूज करने के पीछे कॉज ये हो सकता है कि उन्होंने ये फोकस ही नहीं किया कि एंटोनिम मांगा है, वो समझ गए होंगे कि सिनोनिम मांगा है। तो काफी मैं रिस्पॉन्सेस देख रही हूँ कि कुछ बच्चों ने सिनोनिम जो है वो वाला लेटर जो है वो लिखा हुआ है अपने रिस्पॉन्सेज में। एनीवेज, लेट्स मूव फर्दर। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कैलस। अब आपके रेस्पॉन्सेस की स्पीड काफी कम हो गई है, खैर तो है। अच्छा, ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बर्बूज। राइट आंसर बच्चे में आप लोग के जो सारे हाँ रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंपाइल करके मैं बाद में आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो वहां पे आप अपने राइट एंड रॉन्ग जो है रिस्पॉन्सेज देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो आप क्योंकि सभी लोग जो है वो किए जा रहे हैं ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंपाइल योर रिजल्ट एट द मोमेंट। वेल, लेट्स मूव फर्दर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कार्डिनल। टेक योर टाइम।
All right, this is the last one. And choose the correct antonym of the given word distill. चलें जी, ये था आप लोगों का एक इनफॉर्मल सा वोकैबुलरी टेस्ट, ठीक है? और मैं देख रही थी आप लोगों के रिस्पॉन्सेज ओवरऑल एज अ क्लास, और काफी ने, इनफैक्ट मेजोरिटी ने जो है वो आंसर सही दिए हैं. कुछ बच्चे जो हैं उनके थोड़े से गलत थे, एंड इट इज ओके, कोई मसला नहीं है इसमें. एज अ होल जो है वो आप लोगों की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी अच्छी रही है, ठीक है? और आई एम श्योर कि इससे ना सिर्फ मुझे आप लोगों की वोकैबुलरी लेवल की इंसाइट्स मिली, बल्कि आप लोगों को खुद को भी अपना एक वोकैबुलरी लेवल जो है वो पता चल गया होगा कि आप जो है वो अभी किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, या आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, और किस तरह से आपने या आपको कितनी ज्यादा जो है वो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है? एंड इट इज ओके अगर गलत आंसर भी था, ठीक है? तो ये कोई ग्रेडेड आपका टास्क नहीं था जिसपे मैं आपकी परफॉर्मेंस को जज करूँ, सही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जी जी मैं आपके साथ ये जो है वो पीडीएफ इनफैक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वो मैंने अपनी पुरानी बैचेस के साथ भी मैं लाजमी शेयर करती हूँ, ठीक है? उसमें हमारे मेजर मेजर मेन स्ट्रीम वर्ड्स जो है वो सारे इंक्लूडेड हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी जरूर वो शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो आप लोग जो है वो उसमें से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगी, वो भी मेरे पास मौजूद हैं लेकिन इन द ग्रुप, सबके रिजल्ट्स को कंपाइल करके, ठीक है बच्चे? चलिए जी, आप लोगों को एक रफ आइडिया तो हो गया होगा कि अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली सिनोनिम एंड एंटोनिम है, ठीक है? हम जैसे कि हमने बात की थी कि हम इस वीक जो है वो वोकैबुलरी के ही सेक्शन को सारा कवर करेंगे सबसे पहले, ठीक है? अगर हमें टाइम मिलता है तो हम दूसरे टॉपिक्स पर शिफ्ट करेंगे. तो ये वोकैबुलरी का ही एक हिस्सा है, सिनोनिम एंड एंटोनिम. अगर आज हमें टाइम मिलता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे. बहुत ही छोटा सा वो टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? और बच्चे भी इसको लर्न करना पसंद करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज वो भी कवर कर लें, ठीक है? दिन वैसे ही कम रहेगा. एनीवेज, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है सिनोनिम एंड एंटोनिम के हवाले से. आप क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जल्दी से अपने रिस्पॉन्सेज को ग्रुप में टाइप करें, ठीक है? यू हैव द टाइम ऑफ 1 मिनट ओनली. एम आई नॉट ऑडिबल टू एवरी वन और जस्ट अयाज? मेरी आवाज क्या बाकियों को क्लियर आ रही है, या सिर्फ अयाज आपके पास नहीं आ रही? ऑलराइट ऑलराइट, चलिए जी, अब हम रिस्पॉन्सेज आपके पढ़ना शुरू करते हैं कि सिनोनिम मीन्स एन अदर वर्ड. खुशी इज सेइंग कि सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग बट डिफरेंट वर्ड्स. ऑलराइट, ठीक है. अली असगर को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जवीर से सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग. मतलब कि इनका कहने का यही मतलब है कि ऐसे लफ्ज जिनकी सेम माना हो, और एंटोनिम जो है ऐसे अल्फाज जिनकी अपोजिट माना हो, मुतजाद माना हो, ठीक है? बाकी लोगों के रिस्पॉन्सेज भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं. चलिए जी, यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट कि जब हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वी मीन सेम वर्ड्स, एंड एंटोनिम्स की बात करते हैं वी मीन
कंट्रास्टिंग या डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है? तो अभी हम इसकी एक बेसिक सी जो है वो डेफिनेशन जो है देख लेते हैं कि अ सिनोनिम इज अ वर्ड व्हिच हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग और अ वेरी सिमिलर मीनिंग टू एन अदर वर्ड, ठीक है? सिनोनिम जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास ऐसे अल्फाजों के जोड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे अल्फाजों के ग्रुप आप कह रहे होते हैं जिनकी माना आपस में या तो सेम हो या मिलती जुलती हो, ठीक है? तो ऐसे अल्फाजों को हम क्या कहते हैं, हम सिनोनिम कहते हैं। और इसी तरह अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो ऐसे अल्फाज, ठीक है, ऐसे अल्फाजों के जोड़े या फिर ऐसे अल्फाज अल्फाजों का ग्रुप जो कि आपस में एक दूसरे के मुतजाद माना रखता हो, ठीक है? दैट हैज अ वर्ड दैट हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्मॉल मीन्स ऑफ लिमिटेड साइज वाइल बिग मीन्स ऑफ लार्ज साइज, ठीक है? तो ये जो है बिग और स्मॉल, ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एंटोनिम्स हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की माना आपस में एक दूसरे से मुतजाद है, एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे जैसी नहीं है, ठीक है? तो एंटोनिम वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम जो है वो एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है? ये हमारी होती है बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? आई होप कि ये जो है वो सारी क्लियर है और इसको मुझे ज्यादा खींचने की लंबा जो है वो जरूरत नहीं है। वेल इट इज देखिए, मैं अपने जो पुराने पुराने जो बैचेस के बच्चे होते हैं, मैं उनको भी हमेशा यही कहती आई हूँ कि देखिए कॉन्सेप्ट्स होना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है? जब तक हमारे पास एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, तो इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक बात है ही नहीं कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल को हम हल कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि आप अभी इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी अपेयरिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो उसमें जो होता है इट इज वेरी क्रूशियल। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट्स होने हैं, ठीक है, होने चाहिए टॉपिक्स में। लेकिन क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है आपका टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है, आपके पास बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड सा टाइम होता है, और आपने फिर क्या करना होता है, आपने क्विक रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, सही है? आपने जो है वो क्विक रिस्पॉन्सेज अपने सवालों के देने होते हैं विद इन लिमिटेड टाइम। तो फिर वहां पे जो है कॉन्सेप्ट्स का होना तो जरूरी है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पे आपने कुछ टिप्स और टेक्निक्स, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के मुताबिक, और आज भी मैं थोड़ी बहुत जो है वो हम सिनोनिम एंटोनिम में फिल्ट्रेशन मेथड वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। तो आपके पास वो टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो होनी चाहिए। वो आपको क्या हेल्प करती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं कि आप टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए किस तरह से अपने वक्त को जाया किए बगैर जो है वो चीजों के कितने ज्यादा सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो टिप्स एंड ट्रिक्स होना भी आपके पास जो है वो इट इज एज इक्वल एज हैविंग कॉन्सेप्ट एज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? और कॉन्सेप्ट हमें तकरीबन सभी टीचर जो है वो पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें जो है वो टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो एक पेपर को सॉल्व करने की वो नहीं सिखाई जाती, वो नहीं समझाई जाती है, सही है? और देखिए इस चीज पर मैं भी बिलीव करती हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए लर्न करना। और ये कोई तरीका भी नहीं होगा कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने में जो है सिनोनिम और एंटोनिम जो है हम लर्न कर लें, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है? सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो ना ही हम रट सकते हैं, ठीक है? ये कोई अच्छा तरीका नहीं होगा कि हम जो है वो एक बुक उठा लें और बुक में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम जो है वो गिवन है वर्ड्स के, और हम उनको उठा के हम उनका रट्टा लगाना शुरू कर दें, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये चीज वैलिडेटेड नहीं है, हम कंफर्म नहीं है कि जो सिनोनिम हमने याद किए हैं उन वही सिनोनिम हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है? हमें इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरा ये कि हमें खुद को इस चीज का कंफर्म नहीं होता कि हम जो सिनोनिम और एंटोनिम हमने अभी ये 300 सिनोनिम एंटोनिम उठा के इस बुक से रट लिए हैं, हु नोज कि वो हमें कितनी देर तक याद रहेंगे। ऑफ कोर्स अगर हमने रटा लगाया तो हम सुबह को रटा लगाया हम शाम को भूल जाएंगे, ठीक है? तो ये कोई तरीका नहीं होता, बल्कि सिनोनिम और एंटोनिम, जैसे कि मैंने आपको कल वोकैबुलरी बिल्डिंग का एक तरीका बताया था कि किस तरह से आप जो है वो रीडिंग वगैरह के जरिए और गूगल की हेल्प लेकर जो है सेंटेंसेस कन्वर्सेशन की मदद से किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये बहुत ही इलॉजिकल सी बात होगी, ये बहुत इलॉजिकल सी बात होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर, ये जितना सा भी आपका थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन रह चुका है, इसके अंदर आप अपनी पूरी की पूरी एक सिनेनियम एंटेनियम जो है वो आप उस जो है वो रटना शुरू कर जाए और आप नहीं लर्न कर पाएंगे, ठीक है, अगर हम टाइम को देके एक रियलिस्टिक सी बात करें, सही है। तो इसमें जो है वो हम इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई इसमें शक नहीं कि हाँ आप सिनोनिम और एंटोनिम लर्न करें, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप जो है वो हम जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारी जो है वो नॉलेज में इजाफा होता जाता है, इसी तरह हमारी वोकैबलरी में भी इजाफा होता जाता है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होने वाली चीजें हैं, होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, होने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ही आप सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो लर्न करते हैं बाय द टाइम, ठीक है। जैसे जैसे आप जो है वो नई नई वोकैबलरी को इनकाउंटर करते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरह से आप नए नए लव सीखते हैं, ठीक है, उनके सिनोनिम एंटोनिम जो है वो आपको ग्रेजुअली लर्न होते हैं। तो आज जो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं ना, मैं आपको एक मेन स्ट्रीम वर्ड्स की लिस्ट ऑलरेडी मैं भेज दूंगी, ठीक है, जो कि हमारे मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड होते हैं। मेन स्ट्रीम वर्ड्स हमारे बेसिकली होते हैं, हमारी एक जनरल वोकेबलरी होती है, ठीक है, जनरल वोकेबलरी, ऐसी वोकेबलरी जो कि हम रोजमर्रा की अपनी आम रूटीन की कन्वर्सेशन में हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हम सब पर इम्प्लीकेबल होती है। मी बींग अ टीचर, वो मुझसे भी इम्प्लीकेबल होगी कि मैं उस जनरल वोकेबलरी को लर्न करूँ, एंड यू ऑल बीइंग स्टूडेंट्स, आप पर भी उतना ही लागू होता है कि आप जो है उस जनरल वोकेबलरी को जो है वो लर्न करें, ठीक है। तो मैं उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूं कि आप चाहें तो आप उससे हेल्प ले लीजिएगा, और आज की क्लास में जो है हम एक फिल्ट्रेशन मेथड जो है उसके जरिए उसको हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है, जिसके जरिए जो है हम अपने सिनोनिम और एंटोनिम को कुछ हद तक जो है वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। देखिए, टिप नंबर वन तो यही है कि आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स को लर्न करने हैं, अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करना है, सही है, ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी लर्न करना, बिल्ड करना, जितने ज्यादा आपको लफ्जों की माना पता होगी, सिंपल सी बात है, आप उतने ज्यादा सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड आपके जो सवाल होंगे एग्जाम में वो हल कर पाओगे। दूसरी जो है, अब हम एक फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो लर्न करने वाले हैं, कि किस तरह से आप जो है लफ्जों को फिल्टर करके, लफ्जों को पहचान के, अंडरस्टैंड करके जो है आप अपने सिनोनिम एंटोनिम की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तक जो मैंने बात की है सबको क्लियर है, आप लोग सब यस लिख दें, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। चले जी, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि सबसे पहले आपको सिनोनिम एंटोनिम के सवाल को हल करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपने लर्न करनी है वोकैबुलरी, ठीक है। अगर आपको आती है लफ्जों की माना ज्यादा से ज्यादा, तो आप बगैर किसी डाउट के आसानी से जो है वो आप अपने सवाल में दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस जो है अगर नहीं आती, ठीक है, तो हम फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जब भी वर्ड्स आते हैं ना हमारे एग्जाम्स में, ठीक है, हमारे पास जब भी सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें हमारा सिनोनिम या एंटोनिम एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कि या तो वो नाउन होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, या फिर वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ये जो चार वर्ड्स जो हैं, ये या तो हमारा सिनोनिम एंटोनिम जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे मांगा गया है, आइदर इट कैन बी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास एग्जाम में जो सवाल आया है, तो उसमें आपसे जो सिनोनिम एंटोनिम मांगा गया है, तो वो क्या है, आया कि वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन है, सॉरी, वो वर्ब है, वो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने क्या कहते हैं ना, सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। एक दफा आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद क्या होगा, क्यों ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आपका वर्ड जो है वो नाउन है, तो आपका जो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे सिनोनिम या मांगा मांगा गया है, ठीक है, और आपका वो जो सिनोनिम वर्ड जो है, ठीक है, वो है नाउन,
उसका सिनोनिम हमेशा एक नाउन ही होगा, ठीक है? आप जो है उसका सिनोनिम कोई एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब चूज नहीं कर सकते। एक नाउन का सिनोनिम हमेशा नाउन ही होगा, एक एडजेक्टिव का सिनोनिम हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, एक वर्ब का एंटोनियम हमेशा वर्ब ही होगा, और इसी तरह से एक एडवर्ब का एंटोनियम हमेशा एक एडवर्ब ही होगा, ठीक है? इज इट क्लियर कि अगर एक नाउन है उसका हमसे, अगर जो हमारे पास लफ्ज दिया गया है वो अगर हमारा नाउन है तो उसका मतलब है कि उसका जो हमारा सिनोनिम या एंटोनियम होगा वो हमारा क्या होगा, वो भी नाउन ही होना चाहिए। मैं कोई एडजेक्टिव चूज नहीं कर सकती, मैं कोई एडवर्ब चूज नहीं कर सकती, मैं उसके लिए कोई जो हूँ वो वर्ब चूज नहीं कर सकती। अब जो देखिए लक्ष्मणी जी, सॉरी लक्ष्मी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। तो लक्ष्मी जो है उन्होंने यही हमसे सवाल पूछ रही है कि कैसे आइडेंटिफाई करें। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है, 1 मिनट रहते हैं, हम दोबारा मीटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको यहाँ से एड्रेस करती हूँ, सही है? तो आप जो है वो एक इंजीनियर की वोकैबलरी जो है उसको नहीं लर्न करेंगी, आप एक हाउस वाइफ जो है जो वो अपने घर में जो भी स्टफ सामान यूज कर रही होती है या जो भी अपने कटलरीज वगैरह जो कुछ भी वो यूज करते हैं, तो आप उसकी वोकैबलरी को यूज नहीं करेंगे। जो आपकी फील्ड, जो आपकी स्टेटस से रेलेवेंट वोकैबलरी है, आप वो लर्न करने वाले, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो आपके लिए जो जनरल वोकैबलरी होती है दैट इज इम्प्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ अस टू लर्न, ठीक है? अब वो एक डॉक्टर पर भी इम्प्लीकेबल है कि हाँ वो भी लर्न करें, वो जो है एक टीचर पर, एक स्टूडेंट पर, एक इंजीनियर पर, एक हाउस वाइफ पर, सब पर इम्प्लीकेबल है कि उसे जो है वो बेसिक वोकैबलरी आनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि अभी किसी ने बात की, क्या जी मैम, डेली लाइफ यूजेस वाले वर्ड्स, मतलब मेन स्ट्रीम वर्ड्स जो कि हम अपनी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में, आम रूटीन्स में यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमारे समाज से बार बार टकरा रहे होते हैं, ठीक है? जो कि हम दिन में 2, 3, 4 बार जो है वो हमें सुनने को मिल रहे होते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम वो वाले जो वोकेबलरी है उसको हम लाजमी लर्न करें, ठीक है? ओके टीचर, थैंक यू। मैं 1 मिनट स्लाइड्स जो है वो ऑन कर लूँ, फिर जो है और इसी तरह से अगर आपके एग्जाम्स की भी बात करें ना, तो आपके एग्जाम में आपसे ना कोई ऐसे वोकेबलरी जो है वो नहीं दी जाएगी जो कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी डॉक्टर की फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर वो जिस तरह के प्रोसेसेस, मेडिकल प्रोसेसेस या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो अपनी फील्ड में इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो आपको नहीं दिए जाएंगे कि भाई आप इसके सिनोनिम में आप इसके एंटोनिम्स बताएं, ठीक है? इस तरह की नहीं दी जाएगी। तो आपके पास जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, वो आपकी जनरल वोकेबलरी से ही रिलेटेड होंगे, सही है? ओके टीचर, वेट, चलें जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों को? नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है। चले चले, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग पहले पूछ रहे थे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लफ्ज हमारे नाउन है, कौन से लफ्ज हमारे वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब। नाउन आपको पता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है? और नाउन्स में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, काफी डिफरेंट तरह के हमारे पास नाउन्स आ जाते हैं, कलेक्टिव, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और पता नहीं कौन कौन से दूसरे नाउन की कैटेगरीज होती है, ठीक है? हमारे पास नाउन्स में कैटेगरी ज्यादा होती है, तभी हमारे मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड यही होता है कि जो है नाउन जो है वो हमारे पास ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं कि उनसे ही रिलेटेड हमारे पास सवाल आएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हो सकता है कि हमारे एडजेक्टिव से आ जाएं, फिर बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे वर्ब से रिलेटेड सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस के, वोकैबुलरी क्वेश्चंस के, और आखिर में एडवर्ब जो है वो बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है?
अब जो है एडजेक्टिव आपको पता है वो हमें क्या बता रहे होते हैं, नाउन आपको पता है नेमिंग वर्ड से, वर्ड सिंपल टू से द लिस्ट, ठीक है। अगर हम इस बहस में जाएं तो फिर नाउन की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन निकल कर आ जाती है, लेकिन सिंपल टू से द लिस्ट के नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव हमें क्या बता रहे होते हैं, हमें क्वालिटी ऑफ नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जब हम वर्ब बता रहे होते हैं तो वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब जो है वो हमें बेसिकली क्या बताता है, किसी काम के एक्शन को होने को या करने को हम जो है वो वर्ब के जरिए जो है वो शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब हमें क्या बता रहे होते हैं, हमारे वर्ब की क्वालिटी बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई फॉर एग्जाम्पल मूव, मूव जो है मूव एक वर्ब है, ठीक है। अब मूव स्लोली, ठीक है, तो स्लोली जो है वो क्या है हमारा, दैट इज एडवर्ब, इट इज टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ अवर वर्ब के जो काम हो रहा है वो किस अंदाज से हो रहा है, किस नोयत से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब जो होते हैं वो बेसिकली हमारे वर्ब की क्वालिटी को बता रहे होते हैं। एनीवेज ये बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बचपन में क्या आप लोग पढ़ते आए हुए होंगे, ठीक है। यस मैम, आपके पास पास टेस्ट के पेपर हैं। ये मैंने कल आप लोगों को बात क्लेरिफाई करी थी कि आईबी के किसी भी किस्म के जो पेपर्स होते हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनके कभी भी जो है वो पास्ट पेपर्स नहीं आते, ठीक है। तो ये आईबी में एक सख्त किस्म की पॉलिसी है, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ख्याल किया जाता है कि कोई भी पेपर जो है वो ना आउट हो। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को। और उसमें जो है वो मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बात की थी, आई रियली अप्रिशिएट हिम, कि मैम वर्ड्स की एंडिंग देखकर अंदाजा हो जाते हैं। बिल्कुल, आप जो है आपके पास जो वर्ड्स दिए गए होते हैं, ठीक है, आपने उनके आखिर में जो लेटर्स जो है उनको देखना होता है, ठीक है, और उससे आपने अंदाजा लगाना होता है कि आया कि वो हमारा नाउन है, वो हमारा एडजेक्टिव है, वो वर्ब है, एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब जो है वो क्यों कम आते हैं, वो इसीलिए कम आते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। एडवर्ब जो होते हैं यूजली हमारे उनके आखिर में एल वाई लगता है, ठीक है। तो हमारे जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो एडवर्ब हो जाते हैं, जैसे कि स्लोली और इस तरह से, और भी इसकी पूरी एक लिस्ट एडवर्ब्स की होती है। तो एडवर्ब्स के आखिर में हमारा एल वाई लगा होता है, तो बच्चे बहुत इजीली पहचान जाते हैं कि अगर उन्हें सिनोनिम एंटोनिम जो है वो एडवर्ब का पूछा गया है, ठीक है, तो फिर वो एक एडवर्ब दिया गया है टू फाइंड आउट इट्स सिनोनिम और एंटोनिम, तो वो क्या करते हैं, वो ऑप्शंस में से बहुत ही आसानी से एल वाई वाला वर्ड जो है वो निकाल लेते हैं और फिर वो जो है आंसर जो है उसको टिक कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि तभी एडवर्ब जो होते हैं हमारे पास बहुत कम आते हैं, ठीक है, दे आर लीस्ट एक्सपेक्टेड टू अपियर इन योर एग्जाम्स। एनीवेज अब हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हमारे नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं, कौन से एडजेक्टिव की, कौन से वर्ब की, कौन से एडवर्ब की। तो बेसिकली हम यही लर्न करने वाले हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ऐसे अल्फाज जिनका खात्मा जो कि एंड हो इन लेटर्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एस आई ओ एन टी एच एम ई एन टी ई आर ओ आर टी वाई आर वाई डी ओ एम टी आई ओ एन एन ई डब्ल एस सी ई जी ई एस एच आई पी, ठीक है, टी यू आर ई। तो इस ऐसे अल्फाज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात की, नाउन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें कैटेगरीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, तभी जो है वो नाउन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और तभी जो है वो बहुत ज्यादा इनके चांसेस होते हैं अपियर होने के आपके एग्जाम में। तो अब आप देख सकते हैं कि नाउन जो है आप इन वर्ड्स की लिस्ट देख लें कि किस तरह से कितने ज्यादा लेटर्स, सॉरी कितने ज्यादा एंडिंग होने वाले लेटर्स पे एंडिंग होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। एक दफा आप इनका स्क्रीनशॉट, भले आप, आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट, आप इसको ना गौर से देख लें, आप पढ़ लें, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वैसे भी जो है वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। एक दफा जो है वो आप, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग एक दफा देख लें और इंटरनलाइज कर लें कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, एक दफा आप इन्हें देख लें सही से।
अयाज, जैसे आप जब पढ़ेंगे ना नाउन के सभी टाइप्स के बारे में, तब आपको इनमें से एक मिलेगा, ठीक है? और जवेरिया जो, नो नॉट जवेरिया, आई थिंक यस, जवेरिया जो आपने सफिक्स की बात की है ना, बेसिकली मैं खुद जो है इतने बड़े बड़े अल्फाज जो है वो सफिक्स वगैरह आप लोगों के साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीवेज, सफिक्स भी आपके आ सकते हैं, सफिक्स के जरिए भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ सफिक्स के जरिए ही हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है? और चलिए, बहुत बेहतरीन है। आई थिंक आपने जो है वो फिर आईबी की टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट की हुई है। और चलिए, आई होप कि ये जो ट्रिक्स जो है मैं आपको फिल्ट्रेशन मेथड बता रही हूँ, ये आपको हेल्प करें, लेकिन जो है वो आपने लर्न भी जरूर करनी है वोकैबुलरी, ठीक है? तो आपने ये चीज है ना, इसका थोड़ा सा आई थिंक कि इसका आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है? कि किस किस तरह से कौन कौन से जो फ्रेंड जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो आपने जो है वो इस तरह से याद करना पड़ता है। अच्छा चलें जी, अब हम इसका एक, फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका एक जो है वो एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है? चलिए जी, कोई बताना चाहेगा कि कैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? यस मैम, TION यूज हुआ है। फाउंडेशन इज वेरी इजी, वेल द स्टेज पी इज अपोजिट टू दैट। अपोजिट तो नहीं कहूंगी, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो से थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, बिकॉज जो फाउंडेशन होता है वो इट इज नॉट बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप। सिंस STHP इज बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप, तो वहां पे उन्हीं बच्चों को फिल्टर आउट किया जाता है हु एक्चुअली पास, जो कि मेरिट पे पास करते हैं, ठीक है? और फिर तभी जो है वो उन्हें स्कॉलरशिप जो है वो तभी वो अवेल कर सकते हैं। तो फिर जो है वो अपोजिट तो नहीं है, ठीक है? बिकॉज वी हैव बिन डीलिंग विद द, इनफैक्ट अभी आई थिंक जुलाई की बात है, यस जुलाई की बात है, तो हम इन पर्सन आईबीए में जो जाकर जो है वो हमने फाउंडेशन की भी क्लासेस ली थी, हमने STHP की भी क्लासेस ली थी। तो दोनों के पास जो है वो कंटेंट कोर्स हर एक चीज बिल्कुल सेम होती है, बस ये होता है कि जो STHP जो होता है उसका लेवल फाउंडेशन से, अगर STHP का लेवल जो है वो फाउंडेशन से वो थोड़ा सा जो है वो एडवांस होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स जो दोनों के जो टेस्ट बनते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल को ही ध्यान में रखते हुए जो है वो बनते हैं, ठीक है? मैम, कुछ केसेस में ED लास्ट में हो तो फिर भी वो नाउन होता है, उस केस में फॉर एग्जाम्पल, आप प्लीज मुझे कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगी? एनीवेज, अब आप जो है वो ये दूसरा भी देखें। अच्छा, कभी कभी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो सारे जो है ऑप्शन जो है वो नाउन ही दिए गए हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो ये सवाल था, इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन में से एक जो है वो नाउन दिया गया, दैट इज द की, बाकी जो सारे ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है? तो कुछ वर्ब्स हैं, एक जेरेंड भी है, ठीक है? लेकिन एनीवेज, आपने जेरेंड पे नहीं जाना, वो आपके लेवल का नहीं है फिलहाल। तो खैर, तो आप इसको वर्ब ही कंसिडर करें फिलहाल, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप कंसिडर करें, ठीक है? तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो कभी कभी जो है देखिए, फिर वहां पे जो है वो आपको, आपकी वोकेबलरी काम आएगी, वहां पे आपके फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो भी काम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, यही बात की मैंने मोहम्मद अली, और तभी तो कहा जाता है अगर वोकेबलरी, अगर यही ट्रिक जो है, यही ट्रिक जो है वो हर जगह इम्प्लीकेबल हो, ठीक है, हर जगह जो है वो हम अप्लाई कर ले, तो फिर वोकेबलरी को याद, वोकेबलरी लर्न करने का फायदा ही क्या है, ठीक है? तो ये इन केस ये जो है वो हेल्प कर सकता है, बट इट इज मतलब फॉर योर सेफ्टी इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वोकेबलरी को लर्न भी करें, ठीक है? चलिए, आप दूसरा देख लें एक दफा।
कल्पना बच्चे, आई डोंट आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल कि आंसर इसमें कौन सा राइट है. इनफैक्ट आप सब लोगों ने सही से खुद ही आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन द रूल दैट आई टॉट यू. एग्जैक्टली सेम है सिनोनिम एंटोनिम. अच्छा आप देखिए, ये जो आज हम वोकैबलरी के साथ डील कर रहे हैं, तो बेसिकली आज हम जहाँ जहाँ लेक्चर में बात करेंगे ना वोकैबलरी के हवाले से, तो इट मीन्स कि वी आर रेफरिंग टू सिनोनिम एंटोनिम. ठीक है, वो अंडरलाइन इसलिए नहीं हुआ हुआ क्योंकि वो राइट है, वो इसलिए हुआ हुआ है बिकॉज आई थिंक देर इज अ टाइप ऑफ मिस्टेक. ठीक है, वो इसलिए अंडरलाइन हुआ हुआ है. तो सिनोनिम एंटोनिम जो है हम उनको एज अ पैकेट डील कर रहे हैं, उनको हम साथ साथ में डील कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि बच्चे ये समझते हैं कि एसटीएसपी और फाउंडेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है, तो ऐसा नहीं होता. ये तो खैर अभी जो है इनफैक्ट क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो है ही टीचिंग की ना, तो हमें ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है. इनफैक्ट हमारे कोर्सेज होते हैं जिनमें हमने जाके बच्चों को पढ़ाना होता है. ठीक है, तो इस दफा जो है वो लास्ट टाइम जो है वी वर टीचिंग इन द फाउंडेशन सेमेस्टर, और उसके साथ साथ जो है वो हमने जो पिछली एसटीएसपी जो है वो गुजर चुकी है उसमें भी पढ़ाया था, तो इतना कोई फर्क नहीं होता. ठीक है, इनफैक्ट जो कोर्सेज जो होते हैं वो भी उनका जो पेस होता है जिस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है दैट इज 200% सेम. ठीक है, बस ये होता है कि जो फाउंडेशन की और जो एसटीएसपी की जो इनिशियल टेस्ट होती है ना, तो उसमें जो है वो उसका लेवल जो है फाउंडेशन का थोड़ा सा एज कंपेयर टू, इतना कोई ज्यादा जमीन आसमान जितना फर्क नहीं होता. ठीक है, थोड़ा सा एडवांस होता है एसटीएसपी का, और फाउंडेशन का थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है. ठीक है, सिर्फ ये है, और ओवरऑल देखा जाए तो मुश्किल इतना कोई नहीं होता. ठीक है, बच्चे जो हैं उनको मेजोरिटी को जो है वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, माइंड ब्लॉक आ जाता है जब उनके पास पेपर आता है, तो अक्सर बच्चों के साथ तो यही होता है कि जो है उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है, फिर वो ना इंग्लिश में चल पाते हैं ना वो मैथ में कर पाते हैं. तो खैर, तो बस यही होता है. ठीक है, तो आपने जो है वो बस इसी चीज पे फोकस करना है कि आपने जो है वो अपने आप को ना एंशियस नहीं करना, आपने पैनिक नहीं होना. ठीक है, अपने बहुत ही रिलैक्स रह के काम लेके, अल्लाह भगवान का नाम लेके अपने पेपर जो है वो शुरू करना है. ठीक है, और माइंड ब्लॉक आपने बिल्कुल नहीं करना, इसी चीज को आपने अवॉइड करना है. फिर आपसे जितने ज्यादा हो सकते हैं आप करें, ठीक है, जितने नहीं हो रहे उसमें भी कोई इशू नहीं है. वेल आई आज सिंह के दैट टॉप 100 कॉन्सेप्ट इज कैरी टू टॉप 100 कॉन्सेप्ट व्हाट इज आई थिंक यू मे बी सेइंग के टॉप 100 को ही सिलेक्ट किया जाएगा. देन आई थिंक के टॉप 100 नहीं होते, 300 होते हैं. और 300 भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जाता, इनफैक्ट 300 से ज्यादा ही हो जाते हैं. ठीक है, तो वो तो फिर बाद में आगे जाके होगा ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो हो वो फिलहाल आप एसटीएचपी के लिए आप जो है वो आप क्वालिफाई कर चुके. ठीक है, आपने एसटीएचपी का इनिशियल टेस्ट टेस्ट जो है वो आपने पास कर लिया है, फिर उसके बाद जब आपको जो एक 0 सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें फुली फंडेड हाँ हो सकता है कि टॉप 100 हो. बाकी जो है अगर जो है पास पास कर जाते हैं तो उनके लिए जो है फिर उनकी ट्यूशन फी जो है वो फ्री हो सकती है. ठीक है, चलिए जी, अब हम बहुत हमारी बातें होगी, अब हम चलते हैं. ये हम बात बातें जो हैं वो बाद में करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं.
अब एडजेक्टिव्स के आप वर्ड्स देख लें, आप एक दफा जो है वो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लोग एक दफा वर्ड्स को पढ़ लें और इनको इंटरनलाइज कर लें, ठीक है। ऑल्दो आई एम स्टिल गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड शेयर विथ यू ऑल, लेकिन फिर भी जो है वो आप जो है एक दफा दफा इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। बच्चे अभी तो हमारी मीटिंग का 1 घंटा भी नहीं हुआ है, पूरा 1 घंटा हमारा भी रहता है, तो 6 बजे तक जो है वो हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए जी, जो सेम कॉन्सेप्ट हमारा नाउन्स पे लागू होता है वही एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमारा एडजेक्टिव्स पर भी लागू होगा, ठीक है। वही सेम रूल की अगर जो है वो आपका सिनोनिम एंटोनिम जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, तो आपने जो है ऑप्शंस में से भी फिर एडजेक्टिव ही ढूंढना है, ठीक है। ये फिल्टर आपने कि एडजेक्टिव को ही फिल्टर आउट करना है, सही है। तो और इसी तरह से आप ये वर्ब्स देख लें, तब अदील आप सो रहे थे आई थिंक जब मैंने ये बात की, और तभी हमारे जो है वो वोकैबुलरी को लर्निंग जो है वो काम आती है, ठीक है। अगर हमारे पास सभी जो है वो एडजेक्टिव दिए गए हैं, ऑप्शंस में सभी हमारे पास एडवर्ब्स दिए गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए जो है वो वोकैबुलरी का लर्न करना बहुत ही हमारे लिए जो है वो जरूरी हो जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो मैं आपको एक दूसरा जो है वो एक एक आप समझने के ट्रिक बता रही हूँ, एक टिप बता रही हूँ, ठीक है, जो कि लागू हो सकती है अगर होती है तो, ठीक है। अगर नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपनी वोकैबुलरी जो है उसी का इस्तेमाल करना है जो आपने लर्न की है। वो भी नहीं आती तो फिर बस आपने छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी तो कहा जाता है कि वोकैबुलरी लर्न करनी चाहिए, हमारे पास यूजली हमारे पास काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट आई कैन सी के कुछ बच्चों की यहाँ पे वोकैबुलरी अच्छी है, कुछ की जो है वो थोड़ी सी मेडियोकर लेवल की है, लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो है वोकैबुलरी को बिल्ड करें, इनहेंस करें, ताकि आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से माकूल अंदाज में कम लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए और एक बेहतर तरीके से जो है आप दूसरों को बात को समझा सके, पहुंचा सके, ठीक है। तो वोकैबुलरी का इस्तेमाल हमारी रिटन स्पोकन इंग्लिश में हर जगह जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो इनफैक्ट आगे जो है जब आप जाएंगे इनशाला, आप जब आईबी में आएंगे तो यू देन यू वुड बी एक्सपेक्टेड कि आप जो है वो इंग्लिश में ही बात करें, और जितनी भी आप अपनी जो भी कन्वर्सेशन आप करते हैं वो इंग्लिश में करें, ठीक है। क्लास में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास एक अच्छे अल्फाजों का जखीरा होना बहुत जरूरी है, और तभी हमारे पास नीड पड़ती है वोकैबुलरी की, ठीक है। तो इससे तो हम बच ही नहीं सकते कि हमें जो है वो वोकैबुलरी जो है वो आप समझे कि एनी हाउ हमने लर्न करनी ही है।
मैम एडजेक्टिव वाला पेज खोलें, ऐसे करना है। बच्ची मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन ये नहीं, मैं फिर भी खोल देती हूँ। हमारे पास क्या दो मोहम्मद अली मौजूद हैं क्या? अयाज सिंह की आप इंग्लिश में क्लास लें मैडम। अगर मैं इंग्लिश में क्लासेस लेना शुरू शुरू कर दूँ तो आपको तो समझ आ जाएगी, लेकिन हमारे पास हो सकता है कि काफी बच्चे ऐसे हों जो कि पूरी इंग्लिश जो है वो समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं, देयर वुड बी एट डिसएडवांटेज। ठीक है, तो तभी जो है वो मैं पूरी क्लास में इंग्लिश में नहीं ले सकती। जहाँ पे जो है वो मुझे मॉडरेट लेवल की इंग्लिश इस्तेमाल करनी होती है मैं कर लेती हूँ, जहाँ पे मुझे जो है वो बच्चों को अपनी बात को सही तरीके से क्लियर अंदाज में समझाना होता है वहाँ पे आई हैव टू यूज द उर्दू। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज ऐसा मीडियम है जो कि सब बच्चे इजिली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेल वेरी वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ टिप्स हैं ठीक है जो कि आप फॉलो करें तो आप अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली टिप हमारे पास यही है कि लर्न रेलेवेंट वोकैबुलरी। ठीक है, रेलेवेंट वोकैबुलरी जो है, मैं आप उर्दू स्पीकिंग है? नहीं बच्चे, मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ। एनीवेज चले जी, लर्न वोकैबुलरी। जैसे कि हमसे पहले एक बच्चे ने पूछा कि इट इज पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम सारी वोकैबुलरी को लर्न कर सके, तो फिर मैंने बात की कि आपने वही वर्ड्स जो हैं वही वोकैबुलरी जो है उसी लेवल की वोकैबुलरी लर्न करनी है जो कि आपके लेवल पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो कि आपका इस वक्त स्टेटस है उस हिसाब से आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रीम वर्ड्स होते हैं ठीक है, जो कि हमारे समाज से दिन में जो है वो एक से ज्यादा बार हमारे समाज से टकराते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उन वर्ड्स को लर्न करें। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोविड से पहले क्वारंटाइन का लफ्ज था, वो हमारा एक मेन स्ट्रीम वर्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कोविड आया, तो उसके बाद जो है वो क्वारंटाइन जो लफ्ज है हमारा रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में हमारा बहुत आम यूज होने लगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा क्या बन गया, एक मेन स्ट्रीम वर्ड बन गया। और क्यों? क्योंकि मैं आज के जमाने की इस दौर की बंदी हूँ, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि मैं इस लफ्ज को लर्न करूँ। ठीक है, मैं इस लफ्ज को अपनी वोकेबलरी का हिस्सा बना लूँ, इसको जो है मैं अपनी वोकेबलरी में स्टोर कर लूँ। तो इस तरह से जो जो लफ्ज हमारी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में यूजली हम सुन रहे होते हैं, खुद बात कर रहे होते हैं, या फिर हमें जो है वो दूसरों से सुनने में आ रहे होते हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप भी जो है वो उन लफ्ज को, ये आप पर भी लागू होता है कि आप भी उन लफ्जों को जो है वो लर्न करें। ठीक है, और रेलिवेंट वोकेबलरी ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जो है वो इंजीनियर की फील्ड के जाके आप वोकैबुलरी को लर्न करना शुरू करें, या फिर आप एक डॉक्टर की फील्ड की जो है वोकैबुलरी है, जो इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स जो प्रोसेसेस जो एक डॉक्टर की फील्ड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कि एक डॉक्टर लर्न करे उनको, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो चीजें जो है वो वैसे वोकैबुलरी लर्न करना शुरू कर दे। जो नॉर्मल आप अपनी डेली रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में हमारे यहाँ पे यूजेस में वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसको लर्न करें। ठीक है, दूसरा ये कि लर्न सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि मैंने कल आपसे बात कल आप आपको जो है कहा था कि जब भी आप कोई रीडिंग टेक्स्ट रीडिंग पैसेज कुछ भी पढ़ रहे हैं ठीक है, तो आप क्या करें कि आप जो है कोई भी न्यू वर्ड्स आप अगर इनकाउंटर कर रहे हैं ना, तो आप उनको अंडरलाइन कर लें, फिर आप उनको गूगल पे सर्च करें, फिर उसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं जी, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप उन वर्ड्स की जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स को फाइंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वर्ड है दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल मेरे पास एक वर्ड है, मुझे पता है ब्यूटीफुल का ऑलरेडी मतलब क्या है, लेकिन आप जो है वो उसके जो है और ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो फाइंड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, प्रिटी, वंडरफुल, ये सारे जो है वो सिनोनिम हो सकते हैं ब्यूटीफुल के। ठीक है, तो आप उनको भी लर्न कर लें, उनको याद कर लें, उसके बाद जो है आप उनका इस्तेमाल जो है वो अपनी रोजमर्रा की कन्वर्जेशन में करें। इससे क्या होगा कि आप जो है वो अल्फाज जो है आपकी वोकेबलरी तो इनहेंस होगी ही होगी, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, आप जो है वो अपने क्या कहते हैं, आपको वो अल्फाज आपने जो याद किए होंगे आपको देर पा याद हो जाएंगे, और आपको जब बात किया करेंगे तो बजाय इसके कि आप एक ही लफ्ज को बार बार अपनी कन्वर्जेशन में रिपीट करें, आपके पास वर्ड्स की वैरायटी होगी। ठीक है, ब्यूटीफुल के अलावा आपके पास एक और पीछे से बैक एंड पे वर्ड मौजूद होगा, जैसे कि प्रिटी, वंडरफुल। ठीक है, तो इससे आपकी जो है वो आपके पास एक वैरायटी आ जाएगी अल्फाज की। ठीक है, और इससे आपकी कन्वर्जेशन और ज्यादा खूबसूरत जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या कहते हैं,
सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड, जब भी आप एक वर्ड लर्न करें तो आप उसके जरूर ढूंढें, उनको याद करें और अपनी कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं कर सकती, अगर आप अपने कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करने का आपको मौका नहीं मिल रहा, तो आप खुद से जो है वो एक पैसेज बना लें, ठीक है, और कोशिश करें कि सबके सब अल्फाज जो है वो अपनी जो है वो कन्वर्सेशन में, सॉरी अपने पैसेज में जो है वो इंटीग्रेट करें, मतलब कि इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बात की लर्न मेन स्ट्रीम वर्ड्स, ठीक है, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली, मैंने ऑलरेडी 2 से 3 दफा जो है वो इस बात को रिपीट किया है, ठीक है। और आखिर में है हमारे पास डेवलप आर रीडिंग हैबिट, ठीक है, और रीडिंग हैबिट को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसके बाद हमने कल के लेक्चर में की थी कि अगर जो है वो आप में रीडिंग जो है आपका शौक नहीं है रीड करना, तो आप अपने जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से जो है वो शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हॉरर चीजों में, फॉर लाइक अगर आपको लोगों की बायोग्राफीज वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको लोगों की लाइफ के बारे में जानना में जान के बारे में जानने जानना चाहते हैं आप, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि आप उनके बारे में जाने, तो फिर जो है वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो रीडिंग की हैबिट जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो है वो आपकी एक मोटिवेशन भी बरकरार रहेगी, आपका जो रीडिंग का जो मकसद है वो भी अचीव होता रहेगा, और साथ साथ आपकी वोकैबुलरी जो है वो भी अपलिफ्ट होती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उसके अलावा मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा होगा हमारी एक जनरल वोकैबुलरी का, ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगी, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन वाकई में आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। एंड आई थिंक वी आर स्टिल लेफ्ट विथ अ लॉट ऑफ टाइम, सो वी शुड टूडे मूव टूवर्ड्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आई थिंक वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है, तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आर मीटिंग विल स्टार्ट एट 5:15, ऑल राइट। और फिर हम जो है वो वी विल मूव टूवर्ड्स पेयर ऑफ वर्ड्स। चलें जी, स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। एज यूजुअल सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं कि पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो उस आपके मुताबिक क्या है। जेवेरिया इज आस्किंग कि मैम पेयर ऑफ वर्ड्स एनालॉजी है? नहीं बच्चे, पेयर ऑफ वर्ड्स एनालॉजी नहीं है। एनालॉजी को कभी कभी कंसिडर किया जाता है कि दे आर रिलेटेड टू पेयर ऑफ वर्ड्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनालॉजी एक डिफरेंट टॉपिक है, और एनालॉजी जो है वो आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें। जी लैबा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड टू। लेट्स स्टार्ट रीडिंग योर रिस्पांसेस। सबसे पहले हमारे पास सॉरी हैं कि सेम साउंड, इट्स ओके इट्स ओके। अहमद बख्श बोलते हैं कि सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग्स, और कुलसुम बोलते हैं कि सेम वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड। वेरी गुड। एहसान अली सेज होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। वेरी गुड एहसान। और मुर्क बोलती हैं कि पेयर ऑफ वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड होमोफोन्स, ठीक है। मुर्क ने तो ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। अहमद बख्श
का फिर से हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है। कल्पना से सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, मुठ से सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग। चलें जी, यू ऑल आर राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोज लोज। ठीक है, आप लोगों को तो आता है। अब मैं आप लोगों को आई थिंक फिर तो मुझे इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और है भी बहुत छोटा सा टॉपिक। बाकी कुछ बच्चे जो हैं वो एनालॉजीज का, जैसे कि अभी आई थिंक ऊपर जवेरिया ने पूछा, तो एनालॉजीज जो हैं वो आप लोगों के पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने जो है वो आपने बुक बाय किया हुआ है एकेडमी का, तो उसमें जो है वो एनालॉजीज का टॉपिक ऐसे ही ऐड किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे ही उसको लर्न कर सकते हैं फॉर योर लर्निंग पर्पस, लेकिन जो है वो एनालॉजीज जो है वो आपके एग्जाम में का पार्ट नहीं होती। ठीक है, चलें जी, पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक मिनट, आप सबने सही जवाब दिए हैं कि होमोनियम्स, होमोफोन्स, सेम वर्ड्स विथ सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, ये सारे जो होते हैं हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स बेसिकली, जब पेयर का मतलब होता है, नहीं मैं जनरली बात कर रही हूँ कि मी एकेडमी जो है उसकी बुक में भी एनालॉजीज जो है उसका सेक्शन ऐड है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे वहां से भी कंफ्यूज हो गए हों। ठीक है जी, बिल्कुल फहीम, पेयर का मतलब होता है कपल, मतलब जोड़ा। जैसे कि हम चीजों की बात करते हैं तो वी यूजली टॉक पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ पैंट्स, पेयर ऑफ सीजर्स। तो जब हम दो चीजों को मिला देते हैं, जब हम दो चीजों को मिलाकर जो है मिला देते हैं, तो इट मींस इट बिकम्स अ पेयर। तो इसी तरह हमारे पास अल्फाज भी होते हैं, ठीक है, जोड़े बनते हैं, दैट वी कॉल पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही बताए हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो यूजली हमारे होमोफोन्स और होमोनियम्स, हम उनसे ही, उनको ही रेफर करते हुए हम पेयर ऑफ वर्ड्स जो है उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी थर्ड कैटेगरी होती है पेयर ऑफ वर्ड्स की, लेकिन वो आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं है। इनफैक्ट होमोनियम्स भी आपके जो है आउटलाइन में इंक्लूडेड नहीं है। होमोफोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो आपके एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, हम सबसे पहले तो है वो एक बेसिक सी इसकी एज यूजल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास होते क्या है। ठीक है, वॉट आर पेयर ऑफ वर्ड्स, ये स्क्रीन पे स्लाइड आप सब लोगों को नजर आ रही होगी। पहले मैं आप लोगों को एक मिनट का टाइम देती हूँ कि आप सब लोग जो है वो इसको रीड कर लें, ठीक है, साइलेंटली, फिर उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
चलें जी, आई होप यू ऑल आर डन रीडिंग ऑन योर ओन। एक दफा हम इसको जो है हम पढ़ लेते हैं एज अ होल, ठीक है। व्हाट आर पेयर वर्ड्स? पेयर ऑफ वर्ड्स आर दैट साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड। मतलब कि ऐसे अल्फाज जब हम उनको प्रोनाउंस करें, ठीक है, जब हम उनको वर्बलाइज करें, मतलब हम उनको बोलें, ठीक है, तो उनका साउंड हमें बिल्कुल सेम आए, ठीक है, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली। लेकिन उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और इसी तरह से उनकी जो माना होती है वो भी मुख्तलिफ होती हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग भी मुख्तलिफ हो, जिनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हो, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, ऐसे अल्फाज को हम बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग भी मुख्तलिफ हो, स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हो, लेकिन एक चीज उनकी सेम हो, और वो क्या हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, लूज एंड लूज, ठीक है। एक लूज होना जो है वो इसका मतलब है LOOSE, इसका मतलब है ढीला होना, ठीक है। एंड LOSE इज अ मतलब कोई चीज का खो जाना, खो देना, ठीक है। अब आप ये लव्स देखिए, इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है एक दूसरे से, इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन दीज आर कॉल्ड द पेयर ऑफ वर्ड्स क्योंकि इनकी प्रोनंसिएशन सेम है। प्रोनंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर पेयर ऑफ वर्ड्स। किसी तरह से आप नीचे और एग्जांपल देख लें कि सेल और सेल, ठीक है। एक सेल हमारे पास कौन सा है, CELL, और दूसरा सेल हमारे पास कौन सा है, SELL। अब ये दो अल्फाज हैं, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है, दोनों की स्पेलिंग्स मुख्तलिफ हैं, दोनों की जो है मीनिंग जो है वो भी मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से दोनों का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ ही है, लेकिन इनकी प्रोनंसिएशन जो है वो सेम है, वो चीज मुश्तरक है, ठीक है। तो ये क्या हुए हमारे, ये भी हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स हुए। और इसी तरह से क्योंकि इनकी मीनिंग मुख्तलिफ है, इनकी स्पेलिंग मुख्तलिफ है, तो क्या इनका जुमलों में इस्तेमाल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। आप पहला सेंटेंस पढ़े स्मॉल रूम, ठीक है। अब CELL जो है हमारे पास, हम कह लें कि एक स्मॉल रूम जो है वो उसकी माना इसकी माना रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल स्पेंड 2 months इन अ प्रिजन सेल फॉर हर मिस्टेक, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दूसरा जुमला देखें, SELL, तो इसका मतलब होता है ऑफर फॉर फॉर सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सेल यू माई कार। तो इस तरह से आप देखें कि भले ही ये दोनों अल्फाज जो हैं उनका उनकी प्रोनंसिएशन सेम है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स मुख्तलिफ हैं, और स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी डिफरेंस भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ निकलती हैं, और इसी हिसाब से इनका जुमलों में इस्तेमाल भी अलग अलग बैठता है, ठीक है। नीचे एक और सीरियल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास CERIAL, और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास गिविन है SERIAL, ठीक है। तो ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ठीक है, बट दीज आर व्हाट, दीज आर पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, और क्या डिफरेंट है, इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है। अब पेयर ऑफ वर्ड्स का बेसिकली आपके टेस्ट में रखने का जो मकसद यही होता है कि ये चीज डिस्टिंग चेक की जा रही होती है कि बच्चे कितना ज्यादा अल्फाजों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। जब आप स्पोकन इंग्लिश में बात करते हो तो आप जो है वो वर्ड्स यूज कर रहे होते हो अपनी स्पीच में, ठीक है, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं। लेकिन इन ऑर्डर टू चेक कि हाँ बच्चों की क्या स्पेलिंग्स, उन जो वर्ड्स वो प्रोनाउंस कर रहे हैं क्या उनकी स्पेलिंग्स ठीक है, क्या उन्हें जुमलों में उन क्या राइट स्पेलिंग वाले वर्ड का इस्तेमाल आता है, तभी जो है वो आपके पास क्या, आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, होमोफोन्स आपके पास दिए जाते हैं, होमोनियम्स आपके पास दिए जाते हैं, कि डिस्टिंग्विश कर पाए कि क्या वाकई में जो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड, आपको उनकी स्पेलिंग सही आती है। आया कि अगर आपको उनकी स्पेलिंग सही आती है, आप उनका जुमलों में सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजली यूजली जो पेयर ऑफ वर्ड से लिंक्ड एक्सरसाइजेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आपको जो है वो पेयर ऑफ वर्ड जो है वो दे दिया जाता है या दे दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है कि आप जो है इन पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज करते हुए एक पेयर ऑफ सेंटेंस बनाएं। इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है वो उन पेयर ऑफ वर्ड्स को को अलग अलग मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर यहाँ पे CELL सेल दिया गया है और SELL सेल, ठीक है, तो ये दो अलग अलग मुख्तलिफ लफ्ज हैं, ठीक है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक पेयर ऑफ वर्ड बनाते हैं, तो आपसे कहा जाएगा। लेकिन आईबी के टेस्ट में यही होगा, क्योंकि आईबी की टेस्ट पूरी ऑब्जेक्टिव होती है, तो उसमें सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता। लेकिन मैं जनरली आप लोगों को बता रही हूँ कि
इस तरह से सवाल दिए गए होते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इन पेयर ऑफ वर्ड्स के जुमले बनाएं, ठीक है, और फिर आपने क्या करना होता है, बच्चों ने क्या करना होता है, उन लफ्जों को अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, दो अलग अलग जुमले बनाने होते हैं और फिर जाके वो एक पेयर ऑफ सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। लेकिन आपके आईबी के टेस्ट में इस तरह से एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपको जो है वो एक ही जुमला दे दिया जाए, उसमें जो है वो ब्लैंक्स हो सकती हैं मौजूद, ठीक है, और फिर आपको कहा जाए कि आप जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है यूज करें विद इन वन सेंटेंस। इसका एक नीचे मैंने एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि ड्यू टू हिज डैश हैंड राइटिंग ही इज नॉट डैश फॉर द पोस्ट, ठीक है। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स पे मुश्तमिल ही एक जुमला है, ठीक है, और नीचे जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स ही दिए गए हैं, ठीक है। और इनमें से आपने फिर क्या करना होता है, आपने ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल ऐसे ही रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके आईबीए के टेस्ट में, ठीक है, कि आपसे जो है वो एक जुमला जो है वो दे दिया जाएगा, उसमें आपको ब्लैंक्स दे दी जाएंगी और आपको पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो दे दिए जा सकते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से आपने जो राइट पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो इंसर्ट करना होता है आपने अपने जो है वो ब्लैंक्स में, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो जी इस तरह से हमारे दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हेयर इज द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है वो मैंने नीचे एक लिंक ऐड कर दी है, ठीक है। तो आप जो है वो जो हमारे जितने भी मेन स्ट्रीम वर्ड्स, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बात की, तो उससे ही लिंक जो है हम जो है इस उससे ही रिलेटेड, उससे ही लिंक जो है वो एक लिंक रखती गई है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो ये आपको जो है एक वेब पेज पर ले जाएगा, ठीक है। और जो आई होप कि अगर आपको नजर आ रही हो, स्क्रीन नजर आ रही है, वेट टीचर, आप ये लिंक हमें ना ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा। जी बच्चे, ये मैं आपके साथ जब पीडीएफ शेयर कर दूंगी ना, तो उसमें ऑलरेडी मौजूद होगी, ठीक है, लिंक, तो आप उस पर भले क्लिक कर लीजिएगा, मैं अलग से भी एक दफा सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैंने इस लिंक पर क्लिक किया है, तो इस तरह से कुछ जो है ये लिंक शो हो रही है, ठीक है। तो आप जो है वो मजीद इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इनरिच करने के लिए, ठीक है, एनहेंस करने के लिए। और फिर यहाँ पे जो है वो सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आप जो है वो टाइमली थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको गो थ्रू करते जाइएगा। इसमें से काफी अल्फाज तो ऐसे होंगे जो कि आपको ऑलरेडी आते होंगे, कुछ अल्फाज जो है वो आपको थोड़े बहुत रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है, सो आई वी शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, ओके।
अजान वॉज बींग कॉल्ड सो आई हैड टू गिव अ ब्रेक. थैंक यू. चलिए जी, लेट्स रेज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. ये लिंक की बात कर रहे थे हम. ठीक है, तो लिंक जो है वो आप देख लीजिएगा. अब जो है वो हम अपनी क्लास को थोड़ा सा, आप लोगों की मैथ्स की क्लास कब है, कितने बजे आप लोगों की मैथ्स की क्लास? सेवन फिफ्टीन 7:15. चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि 6 बजे तक हमने हम अपना ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप कर लें. चलिए जी, ये आप लिंक है ये देख लीजिएगा. ठीक है, इस तरह से जो है वो एमसीक्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इस फॉर्मेट में आ सकते हैं. ठीक है, अब जी हम चलते हैं, पढ़ते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की टाइप्स. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी बताया कि इसमें होमोफोन्स आते हैं, इसमें होमोनियम्स आते हैं. ठीक है, और उसके अलावा जो है वो तीसरी टाइप होती है वर्ड पैटर्न की, जो कि आप लोग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न. ठीक है, एट दिस स्टेज फिलहाल तो हम जो है वो इनफैक्ट आप लोगों के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोफोन्स ही एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत होमोनियम्स का भी आइडिया ले लेंगे. ठीक है, ताकि अगर इक्का दुक्का जो एमसीक्यूज जो है वो होमोनियम से रिलेटेड आ जाते तो आप वो भी अटेम्प्ट कर पाए. तो जब हम होमोनियम्स की बात करते हैं तो होमो मीन्स सेम एंड नियम्स मीन्स नेम. ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जिनकी जो है वो सेम क्या कहते हैं, जो कि सेम नेम रखते हों. ठीक है, और इसका मतलब है कि उन अल्फाज की जो है वो मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट होगी और उनकी जो है वो स्पेलिंग जो है वो भी डिफरेंट होगी. लेकिन जब हम होमोफोन्स की बात करते हैं तो हम ऐसे अल्फाज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिनका साउंड सेम हो. ठीक है, जिनकी स्पेलिंग जो है वो भी सेम हो, लेकिन जो है उनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो. ठीक है, तो फिर ऐसे अल्फाज हमारे कौन से होते हैं, हमारे होमोफोन्स होते हैं. हम इनको इनका मजीद एक क्लियर आइडिया हो जाएगा. ठीक है, आप ये वर्ड पैटर्न जो है ये आप छोड़ दें, ये आप लोगों के लेवल के नहीं है, लेकिन दिस टू इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इट टू इज डील्ड एज अ सब कैटेगरी ऑफ पेयर ऑफ वर्ड. ठीक है, वी टू डील विद दिस एज अ सब कैटेगरी ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो अब आप देख लें कि अ होमोनियम इज अ वर्ड पेयर दैट हैज अ सेम साउंड एंड स्पेलिंग. ठीक है, जब हम सॉरी होमोनियम्स की बात करते हैं तो आई थिंक पीछे मुझसे जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई बताने में. चलें जी, आई एम सॉरी फॉर दैट. अ होमोनियम इज अ वर्ड पेयर दैट हैज अ सेम साउंड एंड स्पेलिंग. ठीक है, होमोनियम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका साउंड भी सेम हो और जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो. लेकिन जब हम होमोफोन की बात करते हैं, इट इज अ वर्ड पेयर दैट हैज द सेम साउंड. इसका मतलब है कि जो अल्फाज होंगे होमोफोन्स वाले, उनका सिर्फ और सिर्फ साउंड सेम होगा, उनकी स्पेलिंग जो है वो भी डिफरेंट होगी और उनकी माना जो है वो भी मुख्तलिफ होगी. लेकिन अगर हम होमोनियम्स की बात करते हैं तो उनका साउंड भी सेम होगा, ठीक है, और उनकी स्पेलिंग भी सेम होगी. आप नीचे एग्जाम्पल देख लें होमोनियम्स के और होमोफोन्स के, और मुझे आप खुद से भी अपने जो है वो एक एक दो दो जोड़े जो है होमोफोन्स और होमोनियम्स के बनाकर दिखाएं. इज इट क्लियर? खुशी इज सेइंग प्ले क्ले इज नॉट नाइदर अ होमोफोन नोर अ होमोनिम. ठीक है, कल्पना मैम रिपीट प्लीज. क्या रिपीट करूं कल्पना बच्चे? एग्जैक्टली जवेरिया, वेरी गुड. प्रेजेंट इसका एक जो है मतलब हम निकालते हैं गिफ्ट एंड दूसरा प्रेजेंट एज इन टाइम. ठीक है, और आप साथ में ये भी मेंशन करें कि वेदर इट इज अ होमोफोन या इट इज अ होमोनियम. ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को सही से ग्रेस्प अंडरस्टैंड कर लिया है. ठीक है, सुनील सेज फाइन माइंड. नहीं सुनील, सुनील दीज आर द राइमिंग वर्ड्स नॉट द होमोफोन्स और होमोनियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, आप प्लीज एक दफा ये जो स्लाइड पे लिखा हुआ है आप इसको फिर से एक दफा पढ़ें और फिर जो है आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें.
एग्जैक्टली जवेरिया, यू आर डूइंग ग्रेट हियर एंड हियर दीज आर व्हाट दीज आर होमोफोन्स, बर्थ बर्थ बीट बीट एंड साइड साइड होल एंड होल होमोफोन्स जी बिल्कुल मरीना। शकीला सेज ब्राइट ब्राइट हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आई एम रीडिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ यू ऑल। एट एट यस चलें जी, ये तो आप सब लोगों ने होमोफोन्स निकाल लिए, ठीक है। अब मुझे होमोनिम्स के जो है पेयर्स वो भी आइडेंटिफाई करके बताएं। एग्जैक्टली आई कैन डू दिस, दिस इज अ कैन ऑफ फॉइल। अब होमोनिम्स करें, होमोनिम्स करें, ठीक है कल्पना, होमोनिम्स। वेरी गुड, दिस इज अ होमोफोन पेयर पेयर। हार्ड हार्ड लेक लेक, दिस इज ऑल्सो अ होमोफोन पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ कैटेगरी होमोफोन्स। मरीना सेज क्वेल द बर्ड, क्वेल टू क्रंच, ब्रेक ब्रेक होमोफोन्स, ठीक है। चलें जी, मैंने आप लोगों के सभी के रेस्पॉन्सेस पढ़े हैं, ठीक है, और यू आर एक्सेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ होमोफोन, ठीक है, और होमोफोन ही बेसिकली रिक्वायर्ड एट योर लेवल टू लर्न। होमोनिम्स भी बेहतर है कि आप लोगों को अंदाजा नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है, और आप लोगों को उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स, वर्ड्स दैट वुड बी कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स इंक्लूड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ें, ठीक है। मैं जो हूँ वो आप लोगों को, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको पढ़ लें, उसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप जहन में रखें कि होमोफोन से होमोनिम्स को लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं होती, ये बेसिकली आपका नॉर्मल जो सिंपल वोकेबलरी होती है ये उसी का पार्ट उसी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी थी उतनी ज़्यादा आपको पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उतनी ज़्यादा जो है वो आप जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही मुझे इस लेक्चर में देना था आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो है वो इतने कोई मुश्किल होने वाले भी नहीं है होमोफोन्स, दे आर एक्चुअली वेरी प्रीटी इजी, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, आप कितना ज्यादा जो है वोकेबलरी लर्न करते हो। चलें जी, वर्ड्स दैट वुड बी कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बार ऐसा होता है कि दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, मतलब जो दरख्त की बाहरी छाल होती है तो उसको भी हम बार्क बोलते हैं, जबकि दूसरा बार्क जो होता है जो नॉइज होता है एक डॉग डॉग का या कुत्ते के भोंकने को जो है उसको भी हम बार्क बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अल्फाज हैं जिनकी स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन क्या मुख्तलिफ है इनमें, इनकी जो है वो मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर होमोफोन होमोनियम्स, ठीक है। इसी तरह से बैट जो है वो एक फ्लाइंग एनिमल भी होता है और दूसरा बैट जो होता है वो एक स्पोर्ट्स का वो जो एक आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, टूल होता है जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बैट, ठीक है। उसके बाद कैन का जो आप में से किसी एक ने एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक मोहम्मद शीस ने दिया था कि एक जो कैन होता है दैट इज स्टील सिलेंडर और दूसरा जो है वो अपनी एबिलिटी सलाहियतों को शो करने को भी हम क्या कहते हैं, दैट इज अवर वर्ब कैन, ठीक है। एक रिंग होती है हमारी ज्वेलरी वाली दैट यूजली गर्ल्स वेयर
और दूसरी रिंग जो कौन सी होती है, नॉइज ऑफ फोन रिंग्स, ठीक है। इसी तरह से टायर, एक जो होता है वो व्हील और दूसरा जो होता है इट टू बिकम एग्जॉस्टेड। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये होमोनिम्स के हैं, ठीक है। इट मीन्स कि वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, बट वॉट डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं किसकी कैटेगरी में, होमोनिम्स की कैटेगरी में। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ लेट्स हेड ऑन टू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स इंक्लूड, नो एक होता है टू अंडरस्टैंड एंड नो मीन्स अपोजिट ऑफ यस, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है प्लेन, व्हिच मीन्स के जो कि सिंपल हो, फैंसी ना हो। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, मुझे लगता है कि आप लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपने अंगूठों को थोड़ा सा आप ब्रेक दें और जो अभी मैं बात करी आप एक दफा उसको लर्न कर लें, ठीक है। फिर जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो तब आप जो है वो चैट बॉक्स यूज कर लें पहले, या फिर अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन यूज चैट बॉक्स, ओके। तो इस तरह से दूसरे बच्चे भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एनीवेज, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन्स इंक्लूड, एक तो नो नो, ठीक है। दूसरा है प्लेन, दैट इज नॉट फैंसी, एंड प्लेन्स दैट इज अ फ्लाइंग व्हीकल, ठीक है। एक जो है ये कॉन्ट्रेक्शन बेसिकली फॉर्म है दे आर की, ठीक है, देयर। एंड देन वी हैव ऑल्सो एन अदर देयर, जो कि एक लोकेशन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड। एंड देन देयर, जो कि हम किसी के बिलोंगिंगनेस या पोजिशन को शो करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनकी जो है वो स्पेलिंग भी डिफरेंट हो, जिसका जिनकी माना भी मुख्तलिफ हो, लेकिन उनकी जो है वो प्रोनंसिएशन सेम हो, तो ऐसे अल्फाज हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होमोफोन्स होते हैं, ठीक है। लिंक मैंने आपके साथ ऑलरेडी इस स्लाइड शेयर में अटैच कर दी है, आप जो है वो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर योर लर्निंग पर्पस। उसके अलावा एक ये वीडियो लिंक है, ठीक है, आप इसको जो है वो चाहे तो गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें दोबारा से वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है होमोफोन्स होमोनिम्स का वही समझाया गया है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स बेसिकली हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन को हमने लर्न किया, उसके बाद उसकी थ्री कैटेगरीज को, और आपके लेवल पे होमोफोन्स ही रिक्वायर्ड हैं। तो हमने होमोफोन्स जो है उससे रिलेटेड जो है वो लिंक भी मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चन डू यू हैव? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो देन यू कैन आस्क। वी आर लेफ्ट विद 4 मिनट्स, उसके बाद मीटिंग जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैम आप ना जनरल वर्ड्स से सेनानम एंटोनिम और होमोफोन्स इसकी लिस्ट भेज देंगी? जी जो चले मेरे पास जो पड़ी है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, बाकी यू कैन ऑल्सो यूज गूगल एज वेल, ठीक है, मेनस्ट्रीम वर्ल्ड। मैम अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज और भी हैं तो आप भेज दें ग्रुप में प्लीज। जी हु इज टॉकिंग? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो डॉक पैसेज हैं अगर प्रैक्टिस के लिए आपके पास और हैं तो आप भेज दें ग्रुप में। देखती हूँ या फिर जो एकेडमी पे बुक है उसमें से मैं निकाल के आप उनके साथ शेयर कर दूंगी। होपफुली मेरे पास पड़े होंगे, लेकिन मेरा लैपटॉप जो है उसमें वो मुझे ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, वो एक जगह सॉर्टेड होके नहीं पड़े होंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अलावा यू कैन यूज गूगल बच्चे, गूगल पे बहुत सारे जिनकी एक्सरसाइजेस पड़ी होती है। इनफैक्ट रीड थ्योरी जो है आप लोगों को पता होगा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है वो रोज जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड थ्योरी जो है वो मैं अपने तकरीबन सभी बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि वो रीड थ्योरी पे जो है वो जरूर प्रैक्टिस किया करें। तो आप को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रीड थ्योरी जो है वो आप लिखें गूगल पे, RED रीड, TH EOR Y, रीड थ्योरी .org, ठीक है। आप उसको लिखें और फिर वहां जो है आपके पास आप वहां पे ना अटेम्प्ट कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस, ठीक है। ओके मैम। जी बस 2 मिनट मैम पड़े। भेजा है अभी कॉपी? जी साहिल, मैम चेक क्वेश्चन भेजा नहीं है जो पास्ट पेपर था उसमें ये इस तरह क्वेश्चन भेजा।
साहिल आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख दें। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है, जी मैम, सर्वनाम सेंटानाम से याद करने के लिए एप्टीट्यूड बेस्ट है या फिर और कोई बुक्स अगर आप रिकमेंड करें तो? एप्टीट्यूड इज ऑल्सो गुड। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं अगेन आई वुड से कि मैं ये चीज जो हूँ वो इसके हक में हो ही रही कि आप एक बुक उठाएं और वहां से अपने सिनोनिम एंटोनिम जो है वो लर्न करना शुरू कर दें। ये बिकॉज गारंटेड है ही नहीं कि जो आपने बुक उठाया है आपने उसमें से अगर जो है वो सिनोनिम एंटोनिम लर्न किए हैं तो वही जो है वो आपके वैलिडेटेड हैं कि आपके एग्जाम में उन्हीं उन्हीं में से आए। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रीम नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा की कन्वर्सेशंस में, आप उनको खुद को अंदाजा होगा। ठीक है, तो ये आपको लाजमी आने चाहिए और उसकी एक लिस्ट मेरे पास पड़ी होगी तो मैं आपके साथ जरूर वो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो बाकी रट्टा जो है उसको मैं यूजली जो है वो सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, बाकी एप्टीट्यूड अगर आप खुद से करना चाहें तो यस यू कैन गो। ठीक है, बाकी आई वॉन्ट पर्सनली रिकमेंड ये सजेस्ट। हाँ, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के जरिए या ओवरऑल जनरली अपनी जो है वो कैपेबिलिटी लेवल चेक करने के लिए, तो देन यू कैन गो, देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन एप्टीट्यूड बुक एज वेल। ठीक है, वरना जो है वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि आप ये बुक उठाएं यहाँ से लर्न करना शुरू करें। क्योंकि लर्न करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये कोई लर्न करने का मेथड जो है वो 2 दिन का या 2 रात का नहीं है, बल्कि इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग वे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी यूजेज के साथ आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी जो वोकैबुलरी होती है वो बिल्ड होती है।